आज पत्रकार संघ में आए हुए सभी अपने मित्र पत्रकार बंधुओं को और बहनों को मैं सादर नमस्कार। आज का पत्रकार सम्मेलन जो बुलाया गया है उसके विषय पर एकता द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी के अध्यक्ष सम्माननीय राकेश शेट्टी साहब उसको विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सम्मान्य राकेश शेट्टी साहब पत्रकार भाई बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज का विषय जो पूरे देश में अब आज जो विषय चालू है एंटी करप्शन बिल जन लोकपाल बिल के बारे में, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा मैं जो एनजीओ का अध्यक्ष हूँ उसका नाम है एकता दी पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी। ये एनजीओ एंटी करप्शन के कारण के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो अधिकारी जो नेता भ्रष्ट है उनके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। आज तक 35 अधिकारी मंत्रालय सिडको माडा से संबंधित जितने लोग हैं आज तक 35 लोगों को मैंने सस्पेंड करवाया है और बाकी का मैटर कोर्ट में ट्रायल चालू। और मेरी नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों एनजीओस है जो युग से रिलेटेड है और वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सही में खत्म हो। एकता दी पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी का भी यही लक्ष्य है। सरकार ने लोकपाल बिल ये लेके आने का तय किया। अन्ना हजारे साहब ने जन लोकपाल बिल लाइए इसका प्रस्ताव रखा। मैं सबसे पहले अन्ना जी का उसमें समर्थन करता हूं कि जन लोकपाल बिल के मांग की गई और 5 मेंबर जनता से हो उसका भी मैं समर्थन करता हूं। मगर एक ही जगह पे मुझे तकलीफ हो रही है और जहां पे मैं अन्ना हजारे जी से सहमत नहीं हूं वो ये है कि जो 5 लोग चुने गए वो उसी कमेटी के लिए गए जो कमेटी के लोगों ने ये मुहिम चालू किया। हम जैसे हजारों एनजीओस है, इंटेलेक्चुअल्स है, अलग अलग फील्ड से है जो इस पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे लोकशाही देश है। आज मैं समझता हूं आज 120 करोड़ जनता का प्रतिनिधि या उनके लिए जो कानून बन रहा है उसका चुनाव 120 करोड़ लोग करना चाहिए। कौन प्रतिनिधि इस कमेटी में रहेंगे नहीं रहेंगे, ना कि एक मुट्ठी भर लोग। अभी मुट्ठी भर लोग मैं अगर कहता हूं तो 5-10 हजार 15 हजार पूरे देश में जितने भी लोगों ने समर्थन दिया, मगर वो कैसा फैसला करेंगे कि कौन 5 लोग जाएंगे। इसका प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए और पब्लिक और जनता डिसाइड करेगी कि इस 5 कमेटी में 5 लोग कौन रहे। उसी जगह पे मेरे तोड़ा इस पे मेरा और अन्ना हजारे साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा सालों से काम कर रहे हैं, सब मान्य है, मगर इस पॉइंट पे मुझे दिक्कत है, हमारे लोगों को दिक्कत है और हमारे जैसे हजारों एनजीओ को दिक्कत है कि इस पे प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि कल 120 करोड़ जनता पूछने वाली है कि आज अगर हम 10,000-15,000 लोग सड़क में आ गए, हमने कानून बना दिया, हमने आज कहा ठीक है एंटी करप्शन बिल का ड्राफ्ट हम करेंगे उसको मान लिया जाए, तो कल एक 20-25 हजार लोगों का ग्रुप आके कहेगा कि बजट हमको दे दीजिए, बजट हम ड्राफ्ट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसी तरह तीसरा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा जो 1.5 लाख लोगों को लेके आ जाएगा सड़क पे और कहेगा इस देश का कानून ही हम बता दें।
फिर यहाँ पे लोकशाही कहाँ पे रहे? जब तक प्रॉपर वोटिंग सिस्टम इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, ये 5 लोगों के मेंबर जो बने हैं वो चुन के जाना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस देश में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महान लीडरों ने जो बलिदान दिया था, वो बलिदान इसलिए दिया था कि हम सबको वोट का अधिकार दिया जाए, इसलिए नहीं दिया था कि कुछ लोग इकट्ठा होकर 5 लोगों का नाम दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट, मैं चाहता हूँ कि ये जन लोकपाल बिल बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो। अगर इस तरीके से सिर्फ 5-10 हजार 15 हजार का हम बात करेंगे तो सोचिए हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना खतरनाक दौर से गुजर सकता है। राज ठाकरे जी, राज ठाकरे साहब का पॉपुलैरिटी अन्ना हजारे से बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ उनके बोलने पर तो लाखों में भीड़ उभर आई। कल अगर राज ठाकरे साहब बोलेंगे कि मैं इस देश का लेबर या एम्प्लॉयमेंट स्कीम मैं बनाऊंगा, तो क्या बाकी के पब्लिक तैयार रहेगी इस चीज के लिए? मैं समझता हूँ अन्ना साहब तो 10 हजार और बाकी पूरे दुनिया में पकड़ लो 50 हजार से 1 लाख, राज ठाकरे जी बुलाएंगे तो 50 हजार लोग आएंगे। इसका मतलब यह है कि हम राज ठाकरे साहब को देश का एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट स्कीम चलाने देंगे? उसका लिए तरीका है, राज ठाकरे साहब हो कोई भी हो, उन सब लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस का सहारा लिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 13 लोग चुन के आए उसको। तो जब तक लोग मतदान नहीं देते, अभी मैं आपको बता देता हूँ शिवसेना के इसमें 1.5 लाख लोग आते, मगर वोटिंग उस हिसाब से नहीं होती। लोग जमा होना एक मतलब ये नहीं कि आपको वोट मिल रहा है, वोटिंग के दिन ही मालूम पड़ता है। जब आप कांग्रेस का देखो, सभा में 15 हजार नहीं होगे, बट जनता उनको चुन के लाती है इलेक्शन। तो मेरा यही मानना है कि जो भी 5 मेंबर गए हैं उनका प्रॉपर वोटिंग सिस्टम हुआ जाए, ताकि 120 करोड़ जनता की आवाज सुनना चाहिए। इस 5 कमिटी में मेरे को आपत्ति जिन व्यक्ति के ऊपर है वो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, संतोष हेगड़े जी। मैं चाहता हूँ ताबड़तोड़ सरकार इनका नाम को ड्रॉप किया जाए। शायद आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों का पत्रकार का नेटवर्क सभी जगह है, संतोष हेगड़े जी से भी पूछे, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं कर्नाटका में, उनका घर का ट्रस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट है, मैनेजमेंट सीट के नाम पे इंजीनियरिंग के बच्चों के पास 5 लाख रुपया लिया जा रहा है, एमबीबीएस के सीट पे 25 लाख रुपया लिया जा रहा है, क्या एक करप्शन नहीं है? और जो आदमी कौन से संविधान में लिखा है कि इस तरीके का आदमी को इस कमेटी में बिठाया जाए? अगर ये करप्शन है तो फिर से अपन वही गलती कर रहे हैं, करप्ट लोगों को उसी जगह पे लेके आ रहे। तो मेरी मांग है कि ताबड़तोड़ संतोष हेगड़े जी को इस कमेटी से ड्रॉप किया जाए। अन्ना जी के बारे में मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, आदर है, बट संतोष हेगड़े जी के बारे में हमारे पास जो जानकारी है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, बाकी के जो 3 लोग हैं, बाकी के 3 लोगों के बारे में क्या इस पूरा देश उनके बारे में कुछ जानता है? क्या आप जानते हैं उनके बारे में? जब तक उनका बैकग्राउंड पता नहीं, जब लोग चुन के नहीं दे सकते, तो वो हमारे लिए कानून बनाने वाले कौन होते? अन्ना साहब को उस जगह पे रखा जाए, बाकी 4 लोग को मेरा डिमांड रहेगा कि इनको चुन के भेजा जाए। अन्ना जी के बारे में मेरे को नहीं लगता देश में कोई ऑब्जेक्शन लेंगे, बाकी के 4 लोगों के ऊपर उनका प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस किया जाए। मैं आप लोगों को एक चीज की तरफ और ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जब इंडिया का संविधान बने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जब इस सब्जेक्ट कमेटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जगह चाहिए था, तब प्रॉपर इलेक्शन हुआ था। 2 बार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी 2 जगह से लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। 3री बार पूना से लड़के चुन के आए, तब जाके उनको सब्जेक्ट कमेटी में और देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दिया गया। तो जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनको इलेक्शन प्रोसेस का जरूरत है, तो मैं समझता हूँ बाकी भी 4 लोग जो है उनको इलेक्शन प्रोसेस से ही आना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ इस पत्रकार से और सभी पत्रकारों से कि ये इसकी मांग होनी चाहिए और देश भर से होनी चाहिए, ताकि लोग जिन लोगों को जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कल उठ के कोई भी पॉलिटिशियन मैं बोलूं तो 1.5-2 लाख जमा कर लेगा भीड़।
उपवास पे बैठ जाएगा, ये तो एक एग्जांपल हो गया, कितना भयानक हो सकता है सोचिए आप। भी आप पॉलिटिशियंस को जानते हैं बहुत अच्छा तरह से, 2 लाख लाना भी उनके लिए बड़ी बात नहीं। कल बैठ जाएगा आजाद मैदान में, बोलेंगे कि इस तरीके का कानून चाहिए, मुझे चेयरमैनशिप चाहिए, क्या करेंगे हम लोग। सरकार आज इस नतीजे में पहुंचे, कल वो बोलेंगे बजट हमको बना दो, कल बोलेंगे कानून हम बनाते, तो कहां पे जाएगी लोकतंत्र, कहां पे रहेगा। तो मेरी एक और बात मांग है केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से कि अन्ना हजारे का जगह इंटैक्ट रख के बाकी चारों जगह पे चुनाव होना चाहिए, और जिनको इस देश का जनता चुनेगी वही हम इस देश का कानून बना। और एक मैं बात पूछ रहा हूं, उस दिन शरद पवार जी के नाम पे ऑब्जेक्शन लिया गया, मैं खुद शरद पवार जी का विरोध करता हूं, हर एक बार उनका है, उनके खिलाफ मोर्चा भी मैंने लिया, मगर अगर शरद पवार जी को हमें पॉलिटिक्स के बाहर लाना है या कोई भी करप्ट पॉलिटिशियन को डालना है तो हमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना पड़ेगा, लोगों का समर्थन लेना पड़ेगा और इस तरीके के पॉलिटिशियन को गिराना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी इलेक्शन के प्रोसेस में अपन इस तरीके के करप्ट जो पॉलिटिशियन है उनको बाहर निकल के फेंक सकते। क्या इस देश में ईमानदार पॉलिटिशियन की कमी है? हमें सिर्फ 543 सीट्स में इलेक्शन लड़ना है, सिर्फ 543 सीट चुन के लाए और ईमानदार लोगों को जगह पे डाले तो करप्शन फ्री का जो कंट्री का जो सपना है वो पूरा हो जाए। मेरे आखिर में मैं अपना पूरा पत्रकार परिषद संबोधित खत्म करने से पहले यही मांग है कि जन लोकपाल बिल का मेरा समर्थन है, मैं चाहता हूं कि ये बिल आए, लोग इस कमेटी में रहे, मगर उस कमेटी के जो लोग है उसका समर्थन सिर्फ 5, 10, 15, 1 लाख, 2 लाख लोग नहीं, देश की पूरी जनता है, और इसके लिए प्रोसेस है तो किया जाए, तभी इस देश का इलेक्शन सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम जिंदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल भी मालूम है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी चीज जब बनती है तब इस देश के पूरे जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ेगा, कोई भी चीज हो, कोई भी बिल हो, कोई भी कानून हो। अगर हम कहते हैं कि कानून बनाए तो कानून, अगर मैंने आज कानून बनाया और आपके ऊपर दबाव आएगा, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे आप होते कौन है हमारे ऊपर कानून डालने वाले, क्या हमने आपको चुन के दिया है, क्या आप हमारे प्रतिनिधि है। ये क्वेश्चन पहले हर नागरिक इस देश का करेगा, और इसीलिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिया, वोटिंग का राइट दिया है, हर एक आदमी अमीर हो या गरीब हो उनको इसलिए दिया है कि प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस हो, कंटेंट सब्जेक्ट कमिटी इंटेलेक्चुअल्स को लेना, किसको लेना नहीं लेना, मगर विदाउट वोटिंग, विदाउट प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किए बिना नहीं चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अकेला देख के इस देश का भविष्य नहीं तय किया जाएगा, भविष्य 120 करोड़ जनता है वो तय करे। और मेरे दिल से अपने आप से दिल से पूछिए आपको वो पड़ता है क्या, कौन क्या है आज, ये साहब क्या है इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बोल के नहीं होगा, ये मेरा अधिकार नहीं है, 120 करोड़ जनता का अधिकार है इनको चुनना या नहीं चुनना, भले ये अच्छा हो, बगर पब्लिक इस देश का फ्यूचर डिसाइड करेगी, पब्लिक के हाथ में ये देश चलता है और पब्लिक डिसाइड करेगी कि ये सही है कि गलत, इसमें आप या मैं अकेला क्या बोलते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो कानून बनाया जा रहा है, जो मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि ये कानून का समर्थन है, जन लोकपाल बिल जो हो रहा है बहुत ही बढ़िया है, मगर क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों के कारण वो बने, 120 करोड़ जनता का समर्थन नहीं चाहिए उसमें, अगर 120 करोड़ जनता का समर्थन चाहिए तो एक ही प्रोसेस है जिनके लिए हमारे लीडरों ने बलिदान दिया है, वो वोटिंग प्रोसेस है, उसको किया जाए ताकि अच्छे और लोगों के हित में जो लोग है वो इस कमेटी में आए। तो आप नहीं चाहते कि इस बिल बने और ये पूरे फसाद? बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ ये बिल बने, जन लोकपाल बिल। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कल कुछ कानून बनाया क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? आप मेरे पूछे कि आप है कौन, आपको क्या मैंने इस देश की जनता ने चुना है,
अगर चुना है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई खड़ा भी नहीं करोगे। इसमें आप बात नहीं समझ रहे, इलेक्शन प्रोसेस होना इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस देश के घटना लिखे, आप जरा स्टडी कर लीजिए, दो बार वो इलेक्शन लड़े, दोनों बार वो गिर गए, तीसरे बार लोगों को लगा कि वो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, फिर तीसरी बार उनको इलेक्शन के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चुन के लाया, तब उन्होंने घटना बनी। मैं नहीं समझता हूं आज इस देश में कोई भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा। और अगर आज हमने इस प्रोसेस को तोड़ा, मैं जानता हूं ये अच्छा चीज है, सब सहमत हूं मैं आपसे, मगर अगर आपने इलेक्शन प्रोसेस के बिना कुछ भी किया तो कल इस तरीके के आपको रोज देखने को मिलेंगे, सड़क में लोग आएंगे और इसके ऊपर इसी तरीके के मांग करेंगे। मांग करनी अच्छी बात है, मगर जब कानून बनता है तो मेरे को लगता है हम हर एक को अधिकार है, हर एक जनता को हर अधिकार है कि हमें हमारा कानून कौन बने उसको चुनाव करना चाहिए। अरे भाई लोकसभा में चल रहा है, हां दूसरों को बिल्कुल साहब, आप जो बोल रहे हैं इलेक्शन, जिस इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्या आपको जानकारी नहीं कि हर सीट पे लड़ने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए हर पार्टी लेती है? मैं ऐसे बिल्कुल आपको एक बता देता हूँ, देखिए वही फर्क है। आपको लगता है इलेक्शन जीतने के लिए पैसा लगता है, वो गलत है। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके 5 साल काम कीजिए, उनके बीच रहिए, उनका समस्या सुनिए, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो गरीब का अगर आपने काम किया हो तो वो आप ही वोट देगा। कितने नेता, कितने जो जो एमपी से जीत के वो खुद बोलते हैं, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट में सवाल उठाने के लिए 50,000 रुपए मांगते हैं और वो खुला बोलते हैं कि हम जो है 8-10 करोड़ हैं। इसकी गलती आप और मेरे जैसे लोग हैं, आप 5 दिन से वहाँ पे उपोषण में बैठे हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और गलती मेरा भी है कि अगले चुनाव में आप भी लड़िए, मैं भी लड़िए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। देखिए आपको एक बात बता दूं, शुरुआत कहीं से भी होना चाहिए, सिर्फ उनको गालियां दोगे। आप बताइए ना, ये 3 साल पहले जो इलेक्शन हुआ लोगों के सहमति से हुआ, लोगों ने वोट डाला और वो आए। अगर सही और अच्छा कैंडिडेट खड़ा रहेगा, आपको पार्टी का क्या जरूरत है बैनर का? इंडिपेंडेंट खड़ा रहिए, लोग आपको चुन के लाएंगे। और सिर्फ इतने 543 लोग का जरूरत है पूरे देश में, इतने ईमानदार लोग खड़े रहिए, चुन के लाइए, अपने आप करप्शन फ्री कंट्री का जो सपना है पूरा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन वाले ऐसे लोगों को उनका फॉर्म कैंसिल कर देते हैं, ये भी मालूम है। मैं आपको 10-15 लोग ऐसे खड़ा कर सकता हूँ जिनका सिर्फ इसीलिए कैंसिल हुआ फॉर्म, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं कर निर्दलीय, बिल्कुल भी नहीं निर्दलीय उम्मीदवार खड़े रहते हैं। मैं आपको नहीं, तो फिर आपको आवाज उठाना चाहिए। जब भी अन्याय होता है, आपने तो देखा इस पत्रकार परिषद में मुझे कितने बार आवाज उठाते, आप दबे मत रहिए। आप जब भी ऐसा अन्याय होता है तो आपको ये लोकपाल बिल ही हम मानते हैं या जनता। अच्छा आप जो बोल रहे 10,000 सपोर्टर, टू बी वेरी काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, आज के तारीख में 420 डिस्ट्रिक्ट में ये इसमें कम से कम लाखों गिनती की नहीं, मैं आपको इतने ही पूछ रहा हूँ। देखिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए 10,000 सुनिए 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 जो आपका है गिनती पे, अगर गिनती पे किया और गिनती पे चेयरमैनशिप डिसाइड होगा तो पॉलिटिशियन कम नहीं है, वो लोग कल तो पैसा दे देंगे पब्लिक को, रोड पे उतरेंगे, क्या करोगे आप? तो सर ये लोकशाही है, यहाँ गिनती पे ही काम होता है, तो फिर वोटिंग भी होना चाहिए, तो फिर वोटिंग भी होना चाहिए। मैंने आपको एक और बात, वोटिंग हम आपसे जानेंगे कि आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी, इसके इसके पीछे क्या वजह है और आप किसका विरोध कर रहे हैं? हटाई का विरोध कर रहे हैं, लोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरे विस्तार से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला मैं जन लोकपाल बिल का समर्थन करता हूँ, अन्य हजारे साहब का समर्थन करता हूँ। आपत्ति इसी चीज में है कि 5 लोग जिन्होंने इस मुहिम का शुरुआत किया, उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी से लोग रहेंगे, मगर वही 5 लोग इस कमेटी में आ गए और बाहर से एक भी आदमी को लिया नहीं गया। मेरे को लगता है अगर देश का कानून 5 लोग बनाएंगे सिविल सोसाइटी को, तो उनका चुनाव होना चाहिए ताकि उसमें 120 करोड़ लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। आप किसके इन 5 लोगों में से किसके विरोध में है, क्या अन्ना हजारे के विरोध में है या और कोई इनके विरोध? मेरी मांग है अन्ना हजारे जी को प्रेसिडेंट जो पद है वो पद पे रखा जाए और बाकी 4 लोग के ऊपर चुनाव होना चाहिए। अन्ना हजारे को इसलिए रखना चाहिए क्योंकि
उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, मशाल जलाने का काम उन्होंने किया, बट उनके पीछे जो आजू बाजू में लोग हैं, जो उस कमेटी में घुसे हैं, वो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया जस्टिस संतोष हेगड़े का बात करें, मैंने बताया उन्हीं के घर का मेडिकल कॉलेज है, आपके मीडिया को भेजिए और अपने स्टूडेंट्स बताएंगे, उनके कॉलेज में इंजीनियरिंग को 5 लाख रुपया और मेडिकल का 25 लाख सीट का पैसा लिया जाता है, इसलिए मुझे विरोध है उनके नाम पे करी। और बाकी जो 3 लोग है, मैं उनका बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ, मैं समझता हूँ 120 करोड़ जनता अभी नहीं जानती, इसलिए उसी लोगों को बाकी 3 लोग वही होना चाहिए जो इस देश का जनता चुना। आपने आपके इसमें और एक बात कही कि ज्यादा करके पॉलिटिशियंस लोग इकट्ठा करते हैं, तो क्या यह इसका आंदोलन में भी लोगों का इकट्ठा सिर्फ एक किसी ना किसी बैकग्राउंड के तहत ये हुआ है क्या? 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए। सबसे पहले पूरे मुंबई में 500 होर्डिंग फाइट अगेंस्ट करप्शन का, और पूरे देश में, मैं कल 2 दिन जंतर मंतर में रह के यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे पता है पूरे देश में लगा है। पहला छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये होर्डिंग किसने लगाया और उसका फंडिंग किसने, पहली बात। दूसरी चीज, 5 करोड़ SMS भेजे गए हैं पर डे, बैठ के आप लोग भी जरा शांत से सोचिए चीज को, 5 करोड़ SMS किया गया है, ये किसने किया। तीसरा, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी हायर किया गया नेटवर्किंग साइट पे इस कैंपेन चलाने, ये किसने किया। ये 3 ही सवाल है, बाकी इसमें कोई मेरे को सवाल रह जाने दीजिए। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया के सामने आप खुलासा करने वाले, वो क्या आपके नजर में आया तो इसके पीछे के सूत्रधार कौन है, आपको कौन लगता है? देखिए ऐसा है, अन्ना हजारे साहब का जहां तक सवाल है, उनका जमीन क्लीन है, उस पर कोई डाउट नहीं, मगर मैंने बताया उनके साथ जो क्लाउट है, जब उनको भी उस चीज की जानकारी नहीं होगी, हो सकता है कैपिटलिस्ट है, जिनको आजकल जो कार्रवाई हो रही है देश में, बड़े दो इंडस्ट्रियल जो कार्रवाई है, कोई भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मास कैंपेन मीडिया, इट्स नॉट इजी जॉब टू डू इट। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां तक अन्ना, मेरे मांग एक और बार आप सुन लीजिए, अन्ना हजारे साहब को वैसे ही और को चेयरमैनशिप वो ही रहेंगे, बाकी के 4 के ऊपर मुझे आपत्ति। सीधा सवाल वही है, आपने ये कहा है कि इसके पीछे के सूत्रधार कौन है, आपको कौन लगता है? मैंने फाइट अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी चालू करवा दिया है, 15-20 दिन के अंदर पूरा इंक्वायरी खत्म होगा, जब भी सूत्रधार का पता चलेगा विद एविडेंस आपको बता देंगे। ये 4 जो आप बोल रहे हैं कि आप अपोज करना चाहते हैं, वो 4 नाम तो बताइए सर, और उनके किस बिना पे आप उनका अपोज। देखिए मैंने उनका अपोज में उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता, मेरे को उस पे सिर्फ संतोष हेगड़े का विरोध है, अभी बाकी 3 जो है, सुनिए उनका बैकग्राउंड आप मुझे बताइए, अगर वो कानून बना रहे 120 करोड़ जनता को, यार 120 करोड़ जनता उनको जानती है, क्या उन्होंने उनका चुनाव किया?